सह्याद्री माउंटेन्स एंड मालशेज घाट के पास बना हुआ महाराष्ट्र का वन ऑफ द चैलेंजिंग एंड मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक है भैरवगढ़। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मुंबई एंड फार आउट। और आज हम सह्याद्री के वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग ट्रैक पर जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप ए टू जेड ऑफ भैरवगढ़ देखने वाले हो। How to reach, where to stay, charges and how to trek, etc. ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पर उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। भैरवगढ़ अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर है पुणे से एंड 140 किलोमीटर फ्रॉम पुणे। जो बेस रीजन है भैरवगढ़ ट्रैक का वो मोरोसी विलेज है। ये मालशेज घाट रीजन में आता है, तो आपको ट्रैकिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले मोरोसी विलेज पहुंचना होगा। बट डोंट वरी, मोरोसी पहुंचने के लिए आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे मुंबई से भी एंड इवन पुणे से। मुंबई से ट्रैवल करने के लिए आपको पहले थाने या कल्याण स्टेशन तक लोकल ट्रेन से आना होगा एंड देन वहां से आप या तो लोकल बस ले सकते हो मोरोसी विलेज जाने के लिए, या फिर आप कार भी हायर कर सकते हो जो कि आपको अराउंड 3 आवर्स लेगा विलेज तक जाने के लिए। और अगर आप पुणे से ट्रैवल कर रहे हो तो आप बस या कार ले सकते हैं जो कि 5 आवर्स लेंगे अप्रॉक्स विलेज तक पहुँचाने में। मालशेज घाट के हाईवे पर ही भैरवनाथ ढाबा या मानुचा ढाबा है, जिसके पास से एक कच्चा रास्ता जाता है। इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट यही है। हमने अर्ली मॉर्निंग ये ट्रैक स्टार्ट किया था। मोरोसी विलेज से भैरवगढ़ का हाइक ऑलमोस्ट 3 to 3.5 किलोमीटर्स है। ये वॉक के लिए आपको 30 मिनट्स जंगल एंड स्ट्रीम्स के बीच से होकर जाना होगा। रॉकी पैच फिनिश करके हम एक स्ट्रीट पैच पर आए जहां हमने ब्रेक लिया और थोड़ा रेस्ट भी किया। 30 मिनट के एसेंट के बाद भैरवगढ़ क्लाइंब स्टार्ट करना होता है। पर ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं भैरवगढ़ की हिस्ट्री के बारे में, तो लेट्स गेट अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ भैरवगढ़। भैरवगढ़ फोर्ट के बारे में आपको हिस्ट्री में इतना पढ़ने को नहीं मिलेगा, पर जेम्स क्रॉन्ट ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ मराठास में इसके बारे में बताया है। ये बुक 1863 में पब्लिश हुई थी। फोर्ट वॉज बिल्ट बाय राजास ऑफ पनहला एंड इसे मराठास यूज करते थे फॉर ट्रैवल एंड लेटर फॉर ऑब्जर्वेशन। पर 1818 में ब्रिटिशर्स ने उसे कैप्चर कर लिया था। कैप्चर होने के बाद ब्रिटिशर्स ने इसे डिस्ट्रॉय किया था, जिस वजह से ट्रैक के वक्त काफ़ी सारी ब्रोकन स्टेयर्स हमें देखने को मिली थी। फिर भैरवगढ़ एक आउटपोस्ट के तौर पर रखा गया फॉर ऑब्जर्वेशन टू वॉच नानेघाट, जीवधन एंड कल्याण जुन्नर ट्रेड रूट। नाउ इन रीसेंट टाइम्स भैरवगढ़ फोर्ट एक एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग ट्रैक पॉइंट बन गया है। मोरोसी विलेज से अपना एसेंट स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ट्रेल्स ऑन द वे बहुत अच्छे से बने हुए हैं, बट अगेन थोड़े दूर जाने के बाद ये बहुत ही नैरो हो जाता है। हालांकि वहाँ कोई मार्किंग नहीं की गई है, बट ग्रास एंड एफएफबीट रोड से बना ट्रेल काफ़ी एड्रेलिन रस देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी लोकल या गाइड को ज़रूर ले आपके इस ट्रैक पर, बिकॉज इसे अकेले क्लाइंब करना बहुत डिफिकल्ट है विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज। सो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। 2 पैचेस इस ट्रैक में ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं और जहां लोकल की हेल्प लगेगी, एल्स द ट्रैक इज प्रीटी स्मूथ। तो इट इज़ अ मस्ट टू हायर अ गाइड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू भैरवगढ़, या फिर आप एक एक्सपीरियंस ट्रैकर के साथ भी जा सकते हो। लोकल्स आपको मोरोसी विलेज से मिल जाएंगे जो आपकी ट्रैक में हेल्प करेंगे। मोरोसी से पिनाकल पॉइंट पहुंचने से पहले आपको एक टाइटैनिक व्यू पॉइंट मिलेगा एंड ट्रस्ट मी, इसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है अंटिल यू विजिट इट। आपको यहां से आसपास के सारे माउंटेन्स का पैनोरामिक व्यू मिलेगा। एक नैरो ट्रेल है जिसके एंड पर आप जाकर स्टैंड करोगे तो आप खुद को माउंटेन्स की लैप में पाओगे। इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग एंड थ्रिलिंग एट द सेम टाइम। विंड इतनी थी कि हम बस उन वादियों में खो से गए थे।
फिर हम चल पड़े भैरवगढ़ के मेन पिनाकल की तरफ। बट उसके जस्ट राइट साइड में भैरवनाथ का एक छोटा सा मंदिर है, तो आप वहां पर दर्शन जरूर करना। इसके बाद वाली 50 मीटर्स की हाइक डिफिकल्ट थी, एज लूज सैंड एंड काफी सारे रॉक्स होने की वजह से शू ग्रिप मिलना मुश्किल हो जाता है। हमने एक दूसरे की हेल्प करके ये डिफिकल्ट हाइक क्रॉस किया एंड भैरवगढ़ के पिनाकल पर पहुंच गए। वहाँ आपको एक वाटर टैंक मिलेगा जिसका पानी पी सकते हैं, पर उस वक्त उस वाटर टैंक का पानी साफ नहीं था, एज ग्रीन एल्गी वगैरह हम क्लियरली देख पा रहे थे। सो हियर इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द ट्रैक। यहाँ क्लाइंब करने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है जो बहुत स्टीप तो नहीं पर स्ट्रेट है, एंड काफ़ी स्टेयर्स ब्रोकन होने की वजह से हमें रोप की मदद लेनी पड़ती है। लोकल आपको हेल्प करेंगे रोप एंड हार्नेस अटैच करने के लिए। वाटर टैंक से थोड़े आगे ही आपको क्लाइंब करने के लिए स्टेयर्स मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा क्लाइंब ही डिफिकल्ट है, बट काफ़ी पैचेस ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है जिसके लिए हमने रोप एंड हार्नेस की नीड होगी। थोड़े स्टेप्स क्लाइंब करने के बाद आपको एक छोटा सा केव दिखेगा। केव में एक साथ 20 पीपल ईजली रेस्ट कर सकते हैं। केव के बाद वाला पैच थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसे क्लाइंब करने का एक्सपीरियंस अमिडस्ट द ब्रीथटेकिंग व्यूज इज अनमिसेबल। बट कीप इन माइंड कि ये पैच आप सेफ्टी टूल्स एंड गाइडेंस के बिना ना करें। इट कैन बी वेरी रिस्की एज वेल एज डेंजरस टू। And if you are a beginner or Everest trekker, it is must to have the guide along with you. Although professionals do this without any support. ये rough patch के बाद आपको 30-40 steps climb करने हैं, and फिर आएगा सबसे ज़्यादा thrilling और risky वाला path, जहाँ आपको एक side खाई, literally खाई दिखेगी। इसे लोकल्स आपको क्रॉस करने में हेल्प करेंगे और एक ब्लैक रोप से वो आपको पुल करेंगे, एज क्लाइंबिंग ऑन दैट पैच इज नॉट पॉसिबल। फिर रोप की मदद से हमने अपना ट्रैक कंटिन्यू किया, एंड टेक केयर द स्टेप्स आर वेरी नैरो व्हिच मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट टू असेंड। ट्रैक करते करते पॉज लेकर आसपास जरूर देखें एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग इट इज। काफ़ी स्टेप्स क्लाइंब करने के बाद एक कंपैरेटिवली इजी ट्रेल आएगा जो स्ट्रेट है, एंड आप वहाँ इजीली वॉक करके जा सकते हैं। फाइनली हम भैरवगढ़ के टॉप पे पहुंच गए, एंड ट्रस्ट मी द सराउंडिंग वैली व्यू वॉज ब्रीथ टेकिंग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत ही ज़्यादा। ट्रैक क्लाइंब करने में हमें ऑलमोस्ट 2 hours लग गए, बट द रिस्क फियर येट थ्रिल इनसाइड अस केप्ट अस गोइंग। थोड़े पिक्चर्स वीडियोस एंड पैनोरामिक व्यू लेने के बाद हम डिसेंट के लिए निकल गए।
क्लाइंब्स डाउन आने के बाद अगेन हमें क्रॉस करना है एक डिफिकल्ट डिसेंट वाला पार्ट। यहाँ स्टेयर्स ब्रोकन है और आपको रैपलिंग करके इस पैच को डिसेंट करना पड़ेगा। एक टिप है कि रैपलिंग के वक्त अपना बॉडी वेट कंट्रोल रखें एंड रैपल स्लोली करें, कोई जल्दी नहीं है। और हाँ, नीचे बिल्कुल भी मत देखना बिकॉज वो थोड़ा सा स्कैरी हो सकता है, बट रैपलिंग करके बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये हाथ ऐसे ही रहेगा, ये आपका ब्रेकिंग एंड है, सिर्फ वो रिलीज करना है धीरे धीरे, आपको पूरा टाइम बॉडी पीछे रखना है। रिलीज ऐसे कैसे होगा, आपको बॉडी वेट डालना पड़ेगा ना पीछे, बॉडी वेट आप पीछे डालोगे और उसको धीरे धीरे रिलीज करोगे तो रिलीज होगा। मेरे पास है जो रिलीज करना ना उसका चीज, और आपको पैर में डिस्टेंस रखना है, अच्छा खासा डिस्टेंस रखो, और मुँह ऐसे ऐसे करना है। अभी यहाँ पे समझो रैपल कर लो, तो ये पैर पर बॉडी वेट डालो और यहाँ पर रख लो, तो डरना नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, लटकना है और इसको बिंदास, ओके गो गो। ऊंचा नहीं है वो, 80 फीट है मैम, कुछ भी बोल रहे हो। क्यों गिरने देंगे, ये जेल में लगे ना, मैं तो मैं लटकन में आया, कतरो बोल लो, मी आया कतरो का है याला, मैं बॉडी वेट पीछे आते ना, को ना पीछे जाओ थोड़ा, और फिर मुंह काल तो बापू जी को भी उतरना है, पैर देखो कहां पे रख लो ना, स्टेबल ये तो कौन आएगा, डालो नीचे, ट्रैक फिनिश करके हम नीचे आए विद अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। दिस इंडीड इज एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम एंड मेमोरेबल वन। ये ट्रैक करने पर ही यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेरी एक्सपीरियंस वी हैव हैड। Some of the tips for trekking the Bhairavgad that I thought to share with you guys. That first is, make sure you carry your backpack having water, snacks and first aid. Second, carry your cap in summers, raincoat in monsoon, and please woolen clothes carry kar lena winter mein kyunki yahan bahut zyada wind hota hai. Third, wear comfortable yet shoes that have strong grip. Must take a local along or a guide from the Moroshi village. And the most important, please do not litter around and respect our mother nature. Also help each other while climbing as there are some rough patches and narrow stairs. So, bas ye tha hamara Bhairavgad